नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आई नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। लोकसभा स्पीकर पद के लिए दूसरी बार ओम बिरला ध्वनि मत से चुने गए हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला ने कांग्रेस के केस सुरेश को चुनाव में हरा दिया है। ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद बिरला को चेयर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छोड़ा। दिल्ली की शराब नीति मामले में जांच कर रही सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी की मांग की है। वहीं इतना ही नहीं, सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया। सीबीआई के मुताबिक केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश में आपातकाल के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उनकी टिप्पणी को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जवाब माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी नेता ने कन्नौज सांसद के पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा था अखिलेश यादव के पिताजी जेल में थे। लालू यादव की बेटी का नाम ही मीसा है, वह मीसा के तहत बंद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दावा किया है कि नीट पेपर लीक में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक शामिल हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि सुभा सपा विधायक बेदी राम नीट पेपर लीक के सरगना है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अब महाविकास अघाड़ी की नजरें विधानसभा चुनाव जीतने पर है। इसको लेकर एमवीए की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस बीच अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन को तैयार है, लेकिन इसके लिए पार्टी ने एक शर्त रख दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है और इमरजेंसी है। बता दें कि सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को रिमांड की मांग की है, जिस पर बुधवार को ही कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। पुणे पोर्श मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी है। इन शर्तों के मुताबिक नाबालिग को 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। इसके अलावा उसे 15 दिन तक लगातार ट्रैफिक नियमों को पढ़ना और समझना भी होगा। आरोपी के खिलाफ यह दोनों प्रावधान किशोर न्यायाधिकरण ने तय किए हैं। अब हाईकोर्ट ने भी प्रावधानों को अपने फैसले में लिखा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को कैबिनेट से हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इसके चलते अब सूबे में 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से जहां आम लोगों को राहत मिली ही थी, कि अब बीच बीच में हो रही बारिश के बाद उमस से लोग परेशान हैं। ये परेशानी लोगों को कुछ दिन तक झेलनी पड़ सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बाद आपको राहत मिलेगी, तो शायद ऐसा ना हो, क्योंकि मौसम विभाग का नया अपडेट आपको चौंका सकता है। इसके मुताबिक इस बार बारिश खूब तांडव मचाने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई स्थानों पर भारी तो कहीं पर उससे भी ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के कॉलेज में बुर्का और हिजाब पहनने की इजाजत की मांग करने वाली याचिका रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने कॉलेज के परिसर में हिजाब बैन के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। साथ ही कॉलेज के हिजाब बैन के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य के स्कूल कॉलेज में नियमानुसार ड्रेस कोड लागू रहेगा, यानी अब स्कूल के बच्चे हिजाब या बुर्का पहनकर स्कूल कॉलेज के परिसर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के कई हिस्से हीट वेव की चपेट में थे। अब मानसून की एंट्री से पहले धीरे धीरे तापमान में गिरावट आ रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक चिकित्सक और उनकी बेटी के जीका वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। हालांकि उनकी हालत स्थिर है, एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुणे नगर निगम के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि चिकित्सक को बुखार आया और शरीर पर चकत्ते हो गए, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। इनमें चिंटू और मुकेश के नाम शामिल है, जिन्हें सीबीआई की विशेष अदालत से रिमांड पर लेने की मंजूरी मिली है। सीबीआई विशेष न्यायिक दंडाधिक अधिकारी हर्षवर्धन सिंह की बेंच ने सुनवाई के बाद ये अनुमति दी। सीबीआई ने आरोपियों को रिमांड पर लेने की सीबीआई की अदालत में अर्जी लगाई थी।
600 करोड़ रुपए के बजट पर बनी साइंस फिक्शन फिल्म कल की 2898 एडी ने अपने बजट के आधे से ज्यादा कमाई इसके डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स बेचकर कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास की कल की 2898 एडी के ओटीटी राइट्स एक नहीं बल्कि दो स्ट्रीमिंग दिग्गजों ने सिक्योर किए थे। रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 2023 में हुए वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बने थे। वनडे और T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में रोहित शर्मा भारतीय कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित पहले ऐसे भारतीय कप्तान बने जिन्होंने दोनों फॉर्मेट के विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाए। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। बने रहे सानिया टीम के साथ।